हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज कर लेते हैं हम मैस एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ दोस्तों क्या होता है, मैस एनालिसिस को यूज़ क्यों करते हैं हम। जैसे हम नोडल एनालिसिस का यूज़ किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज, करंट और पावर फाइंड आउट करने के लिए करते थे, उसी तरह हम मैस एनालिसिस का भी यही यूज़ है कि किसी भी एलिमेंट में हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है, कितना पावर डिलीवर हो रहा है, वो उस चीज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जो नोडल एनालिसिस में क्या करते थे हम दोस्तों, कि नेटवर्क में नोड डिफाइन करते थे इस तरह से, उसके बाद उसका वोल्टेज डिफाइन करते थे, किसी एक को रेफरेंस नोड लेते थे, उसके बाद उन पर्टिकुलर नोड पर हम KCL अप्लाई करते थे। पर यहाँ है हमारे पास मैस एनालिसिस। तो आपको नाम से पता चल रहा है, मैस एनालिसिस मींस यहाँ पर हमको लूप फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि मैस क्या होता है हमारा, मैस इज़ अ लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। ये एक लूप ही होता है मैस, पर उसमें कोई दूसरा लूप नहीं होता है उसके अंदर। जैसे ये एक लूप है और एक ये भी है, बट इसको हम मैस कंसीडर नहीं करेंगे। ये मैस कंसीडर नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर और भी लूप आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैस हमारा होगा 1, 2, 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैस हमको पता चल गया है, उसके बाद उन पर्टिकुलर मैस में हम करंट फाइंड आउट करेंगे, द करंट डिफाइन करेंगे कि लेट अस यहाँ पर हमारा I1 करंट है, यहाँ पर हमारा I2 करंट है, यहाँ पर हमारा I3 करंट है। उसके बाद जब हमको ये सब पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उन लूप जो लूप है हमारे पास, ये इनमें KVL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये सर्किट गिवन था हमारे पास, तो हमने क्या किया, यहाँ पर करंट डिफाइन किया पहले, लूप जितना लूप पता चल गया 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद करंट डिफाइन किया हमने यहाँ पर, और करंट का डायरेक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही लेना हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी यहाँ डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको करंट डिफाइन करना है यहाँ पर, जो भी आप अगर यहाँ पर I3 को ये डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आप लास्ट तक जब तक आप कैलकुलेशन करें, तो उसकी डायरेक्शन को यही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बाद में इस तरह से कंसिडर कर लें I3 की डायरेक्शन। तो अगर आपने ये एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज ही रखेंगे लास्ट तक, जब तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब करंट हमको हमने डिफाइन कर लिया है, एलिमेंट्स हमारे पास हैं, R1 है, ये I है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके इन पे जो करंट फ्लो होगा वो हमको पता चल गया है। अब हम यहाँ पर KVL अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मैस में, जैसे यहाँ 3 मैस है, तो 3 KVL इक्वेशन हमको मिलेंगे यहाँ पर, और उन 3 KVL इक्वेशन से हम जो भी हमारे यहाँ पर करंट्स हैं, I1, I2 एंड I3, 3 इक्वेशन मिलेंगी, 3 वेरिएबल की फॉर्म में, I1, I2, I3 की फॉर्म में, और हम यहाँ पर ये करंट फाइंड आउट कर पाएंगे। जब हमको ये एक बार ये करंट मिल गई और हमारे पास इनकी वैल्यू गिवन है R1, R2, R3, R4 की, तो हम यहाँ पर इनका वोल्टेज का वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैस एनालिसिस में क्या करते हैं हम, KVL के लिए हमको लूप में करंट का पता होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले करंट डिफाइन कर लेते हैं। नोड में क्या करते थे हम, नोडल एनालिसिस के लिए हमको नोड का वोल्टेज पता होना चाहिए, तो हम वोल्टेज डिफाइन करते थे। यहाँ हमको लूप में KVL के लिए करंट पता होना चाहिए, तो हम सबसे पहले करंट डिफाइन करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर हमको I1, I2, I3 की फॉर्म में इक्वेशन मिलेंगी, और उनको सॉल्व करके हम उनका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से जो हमारा मैस एनालिसिस है, इसमें हम KVL का यूज़ करके पर्टिकुलर ब्रांच में वोल्टेज, करंट, या फिर उसके थ्रू पावर डिसिपेशन, या फिर पावर डिलीवर कितना किया है उसने, वो सब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं कि मैस एनालिसिस से हमको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पर KVL इक्वेशन कैसे लिखना है। ये अगर आपने करंट डिफाइन कर लिया है,
तो इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ये जैसे KVL फॉर मैस वन, यहाँ ये है हमारे पास एक लूप है या मैस कह दीजिए, तो इसमें अगर हम KVL लगाएंगे तो हमको मिलेगा I इज इक्वल्स टू आई वन, ठीक है, ये करंट हमें गिविन है और ये हमने कंसीडर किया था आई वन, तो हमको पता चल रहा है आई वन है हमारा आई के इक्वल, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लूप पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हम मूव कर रहे हैं लूप में, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वी वन इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये वाला साइन ले रहे हैं इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग वाला साइन ले रहे हैं प्लस वी वन, फिर इस एलिमेंट में जब हम एंटर कर रहे हैं तो प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस वी टू, फिर इस एलिमेंट में हम प्लस का साइन ले रहे हैं प्लस वी थ्री, तो यहाँ पर हमको मिलेगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। और वी वन का वैल्यू, वी वन का वैल्यू कैसे पता चलेगा, आर वन ये है, अब इसके अक्रॉस जो करंट है वो क्या होगा, एक तो हमारी करंट इसके अक्रॉस आई टू जा रही है, ठीक है, दूसरी हमारी करंट इधर से आ रही है आई वन, अगर हमने ये वाली डायरेक्शन लिया है करंट का तो हमको क्या मिलेगा, इस लूप में जो हमारा करंट होगा आई टू को हम ग्रेटर कंसिडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू आई वन एंड आई थ्री, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, आई टू माइनस आई वन, ये इस लूप में हम केवीएल लगा रहे हैं ना, तो यहाँ हम करंट लेंगे आई टू माइनस आई वन, तो यहाँ लिया हमने आई टू माइनस आई वन इंटू आर वन, और V2 है हमारा I2 into R2। अब V3 की बात करते हैं तो V3 में हमारा करंट है, R3 में हमारा करंट है, एक तो I2 जा रहा है यहाँ पर ऐसे इस तरह से, ठीक है, और एक हमारा I3 जा रहा है यहाँ पर, I2 और I3 सेम डायरेक्शन में है, ये भी इधर जा रहा है ये भी, तो ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर I1 I2 की डायरेक्शन अपोजिट थी तो यहाँ हमने माइनस किया है, यहाँ सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया है, ठीक है। अभी हमने जब मैथ्स थ्री में ये लिखा हमने आई टू प्लस आई थ्री इंटू आर थ्री, अब आते हैं हम मैथ्स थ्री में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो हम इस तरह से मूव कर रहे हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग साइन लेंगे हम वी का, माइनस वी प्लस वी फोर प्लस वी थ्री, यहाँ पर माइनस वी प्लस वी फोर प्लस वी थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अब माइनस वी ऐसे ही है और वी फोर का वैल्यू आएगा हमारे पास यहाँ पर आई थ्री आर फोर, अब वी थ्री का वैल्यू क्या है, यहाँ पर आर थ्री के जो करंट है वो क्या है, आई टू प्लस आई थ्री, तो यहाँ हमारे पास आएगा आई टू प्लस आई थ्री इंटू आर थ्री, तो इस तरह से ये हमारे पास तीन इक्वेशन मिल जाएगा केवीएल लगा के, और इनको सॉल्व करके हम यहाँ पर आई वन आई टू आई थ्री का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, या फिर अगर हमको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस पावर पूछा हो तो वो भी हम यहाँ पर P होता है पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, तो उससे हम जब पर्टिकुलर एलिमेंट में हमको करंट वोल्टेज एंड करंट पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर पावर भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में, तो सब बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन है करंट का वो अगर हमने स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज कंसिडर किया है यहाँ पर तो एंड तक उसको क्लॉकवाइज ही लेना है, ठीक है, और करंट कंसीडर करके उसके बाद सिंपल हमको केवीएल से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम अपने एग्जांपल पे, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है और इसको हम यहाँ पर हमको करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम मैस एनालिसिस को प्रेफर करेंगे, ठीक है, अगर हमको वोल्टेज फाइंड आउट करना होता तो हम नोडल एनालिसिस को प्रेफरेंस देते, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आई वन आई टू आई थ्री सर्किट में देखते हैं, आई वन ये है, आई टू ये है एंड आई थ्री ये है, तो ये हमको यहाँ फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लूप देखा,
यहाँ पर दो लूप हमको मिल रहे हैं, और यहाँ करंट अगर ये आई वन है ये, तो ये भी हमारी यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, ये है आई वन और इस लूप में है हमारी करंट आई टू। ठीक है, अब इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर माइनस फिफ्टीन प्लस फाइव आई वन एंड दिस वन टेन, और टेन में अगर हम इस लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे आई वन माइनस आई टू, क्योंकि आई वन इस तरह से जा रहा है और आई टू हमारा इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे आई वन माइनस आई टू। ठीक है, जो रिजल्टेंट करंट होगा वो हमारा आई वन माइनस आई टू होगा टेन के अक्रॉस। ठीक है, प्लस टेन प्लस ये वाला वोल्टेज, ठीक है टेन, और यहाँ पर हमको इक्वेशन मिल जाएगा थ्री आई वन माइनस टू आई टू इजिकल्स टू वन। अब आ जाते हैं हम अपने मैथ टू पर। यहाँ क्या करेंगे, हम आई टू को ग्रेटर कंसिडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू आई वन, जब हमको टेन के अक्रॉस करंट लिखना होगा, यहाँ पर वोल्टेज लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ मूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा प्लस सिक्स आई टू प्लस फोर आई टू माइनस टेन, क्योंकि हम इस तरह से मूव कर रहे हैं यहाँ पर, इसका स्टार्टिंग साइन है माइनस, तो माइनस टेन, फिर इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो लेंगे प्लस टेन, और करंट क्या रहेगा हमारा आई टू माइनस आई वन। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर अगर हमने आई टू वाले लूप में अगर हम केवीएल लगा रहे हैं तो आई टू को ग्रेटर लेंगे, और आई वन वाले लूप में अगर हम केवीएल लगा रहे हैं तो आई वन को ग्रेटर लेंगे, अगर हमको यहाँ दो करंट मिल रहे हैं किसी एलिमेंट के अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ से हमको इस मैथ टू से इक्वेशन मिल जाएगी आई वन माइनस टू आई टू इजिकल्स टू माइनस वन। अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गई हैं, इनको सॉल्व करके हम आई वन आई टू का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर, तो हमको मिला आई वन का वैल्यू वन एम्पियर, फिर ये वैल्यू हमने इक्वेशन टू में पुट किया तो हमको मिला यहाँ आई टू का वैल्यू वन एम्पियर, और यहाँ पर जो आई थ्री की डायरेक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो थी ये। यहाँ पर आई थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पर आई थ्री इस डायरेक्शन में है, हमें देखना है कि ये हमारा आई थ्री आई टू की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है या आई वन की डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आई वन तो हमारा इस डायरेक्शन में था और आई टू हमारा इस डायरेक्शन में था, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आई थ्री है हमारा आई वन की डायरेक्शन और आई थ्री की डायरेक्शन इस ब्रांच में सेम है। ठीक है, आई वन इसी तरह से इस ब्रांच में मूव कर रहा था और आई थ्री की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम आई थ्री की जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम यहाँ पर आई वन माइनस आई टू। ठीक है, तो यहाँ हमको मिलेगा आई थ्री इज इक्वल्स टू आई वन माइनस आई टू, पर आई वन का वैल्यू भी हमारा वन एम्पियर है, आई टू का भी वन एम्पियर है यहाँ पर, तो आई थ्री की वैल्यू हमको यहाँ पर ज़ीरो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आई थ्री की वैल्यू हमको ज़ीरो मिली है, आई वन और आई टू मिला है वन एम्पियर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, सिंपल है, आपको यहाँ पर केवीएल अप्लाई करना है और लूप, सबसे पहले लूप में करंट डिफाइन कर लेनी है कि इस लूप में हमारा ये आई वन करंट है, इस लूप में हमारा आई टू करंट है, और केवीएल अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको यहाँ जो पर्टिकुलर करंट हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में उनका वैल्यू हमको मिल जाएगा आई वन आई टू का, और आई थ्री भी हमसे अगर पूछा है तो आई वन आई टू की टर्म्स में हमको कुछ रिलेशन मिलेगा आई थ्री के लिए, तो हम आई थ्री की वैल्यू भी इस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे किसी और एलिमेंट में अगर हमको करंट पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पढ़ा मैश एनालिसिस, इससे पहले हमने नोडल एनालिसिस किया था, अभी मैश एनालिसिस किया था, और इसके बाद हम कुछ स्पेशल केस करेंगे इसके, कि ये तो सिंपल हो गया हमारा कि हम किस तरह से
मैस एनालिसिस और नोडल एनालिसिस को यूज़ करते हैं।